Hey everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. आज बहुत दिनों के बाद मैं vlog बना रही हूँ and today's vlog will be about a day in the life of a second year medical student. हमारी classes almost 1 week जैसे हो गई है शुरू होने का and जो मुझे ये 1 week class करके पता चला है is that हमारे आधा time तो हॉस्टल से कॉलेज, कॉलेज से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से फिर से कॉलेज, कॉलेज से हॉस्टल करते करते निकल जाती है एंड हमारे दोस्तों की शक्ल बहुत रेयरली दिखने को मिलती है. तो ज़्यादा नहीं बोलूँगी, जस्ट स्टे विद मी एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड टू नो व्हाट वी डू थ्रू द डे एज अ सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट. कैसा लग रहा है सेकेंड ईयर का क्लासेस करके? अच्छा है, अच्छा है. ऑनेस्ट बोल, ऑनेस्ट. अच्छा नहीं है. बोलना अच्छे से. अच्छा है बट हैक्टिक है. Let me give you a brief idea on clinical postings. A batch of 125 students are divided into several groups and rotationally posted in different departments like medicine, surgery, ENT, pediatrics, and many more. आज हम लोग का रिजल्ट निकलेंगे ऐसा बोला जा रहा है तो पता नहीं इसको लग रहा है कि आज हम लोग का लास्ट वार्ड भी हो सकता है. अभी हम लोग का वार्ड्स ख़त्म हो गया और अभी फिर से हमारा लेक्चर है, एक 12 to 1 फार्मा का लेक्चर है. तो अभी फार्मा का लेक्चर करेंगे, उससे पहले अतुल्ला का कैंटीन से कुछ खा लेंगे, भूख भी लग रहा है. तो यार इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता मैं. पकड़ रहे कोई तो जानते होंगे. Yeah, we enjoying the second year classes and the words. And here is Mona Lisa. Hi. That is kind. मेरा ना एनर्जी नहीं है अभी. अभी हम लोग का लेक्चर क्लास ख़त्म हुआ और अभी हम लोग का लंच ब्रेक है. तो अभी हम लोग हॉस्टल जाके लंच करके फिर से हम लोग का अभी लंच के बाद प्रैक्टिकल क्लासेस होता है या फिर स्मॉल ग्रुप डिस्कशन, स्मॉल ग्रुप टीचिंग ऐसा होता है.
बोरिंग नहीं लगा कपिल? सोया नहीं तू आज? सोया तो क्या नहीं। आज के सारे क्लासेस हो चुके हैं। हम लोग का फार्मा का प्रैक्टिकल था, फर्स्ट डे ऑफ प्रैक्टिकल था, इसलिए मतलब कुछ प्रैक्टिकल हुआ नहीं, बस इट वाज एन इंट्रोडक्टरी सेशन। और बस लाइक वी वर गिवन अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। अभी सारे क्लासेस हो गए हैं और 4 to 6 हम लोग का कुछ डिपार्टमेंट्स का क्लर्कशिप भी रहती है, बट मेरी नहीं है क्लर्कशिप, मैं ENT डिपार्टमेंट में पोस्टेड हूँ, बट वी डोंट हैव एनी क्लर्कशिप। अभी बस हॉस्टल जा रही हूँ और अभी जाके रेस्ट करूँगी। गुड इवनिंग गाइस, अभी मैं जस्ट सो के उठी, मतलब नैप लिया, सो के उठी और अभी हम मैस जा रहे हैं इवनिंग स्नैक्स खाने, मैं और स्नेक था। इसका खाली कर दो, कॉफी दिया माँ ने, कॉफी बना के दिया मेरे लिए। तो अभी हम बहुत मच्छर काट रहा है, मतलब रूम में कुछ करने को नहीं है, स्टार्टिंग आज तो वेल्ले, इसलिए एकदम सोचा कि थोड़ा हॉस्टल के बाहर आया है, थोड़ा इधर जो बेंच दिख रहा है ये भी नया लगाया है, तो यहाँ थोड़ा बैठेंगे सोचा और चाय पियेंगे सोचा। और ये तो अनुपमा हमारी नाटक की महारानी, और बहुत नौटंकी है, बहुत ज़्यादा नौटंकी। अभी हम थोड़ा गॉसिप करेंगे, तो गॉसिप के बाद मिलते हैं। अभी हम लोग जूनियर्स के रूम में आ गए हैं, मतलब वो लोग पूरा नर्वस हो रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि मतलब कुछ उनको लग रहा है उनका इंटरव्यू होने वाला है। हाँ, इंटरव्यू जैसा, बट जैसा कुछ नहीं है। मुझे लगा कि मतलब एग्जैक्टली पूरा 1 month हो चुका है, तो उनका थोड़ा एक्सपीरियंस जान लेते हैं। तो मिलाती हूँ मैं दीपा और ये नेहा, से हाय टू माय ब्लॉग। तो डरो मत तुम लोग, कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा। कौन शुरू करेगा सबसे पहले? मैं कहती हूँ, पहले पहले तो मुझे लगा कि तो शुरू करेंगे। पहले पहले सोचा कि 3 hours later. तो पहले शुरू करते हैं कॉलेज से, पहले ठीक है कॉलेज के बारे में बोल दो कि कॉलेज ये 1 month कॉलेज करके कैसा लगा? डाइसेक्शन पहले गया था, बहुत आग जला, स्मेल को नहीं सह पाया, लेकिन धीरे धीरे अब वो भी हो गया। और उसके बाद ब्लड पियर वो क्या था, ब्लड स्मेल किया था, उसमें भी बहुत डरा, लेकिन अब फर्स्ट टाइम ही तो सब डरते हैं ना, तो किया। और अभी हॉस्टल के बारे में कुछ बोलो। हॉस्टल में तो बहुत अच्छा है और खाना तो और भी अच्छा है, नहीं सोचा था कि इतना टेस्टी हॉस्टल खाना, मतलब सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड खाना ही है खाने। तुम लोग मतलब क्या सोचा था पहले? मतलब हम लोग दाल आलू भाजी ऐसे ही होता है हॉस्टल में, तो यहाँ तो मतलब बहुत एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी हो गया। उसके बाद शायद यहाँ ही रह के मोटा हो जाएगा हम लोग। और नेहा है, इसका भी एक YouTube चैनल है येलो वैली व्लॉग्स, डू चेक आउट एंड सब्सक्राइब टू हर चैनल। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई एंड माई व्लॉग हेयर। पूरा दिन क्लासेस करने के बाद बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं, पता नहीं फर्स्ट ईयर में ज़्यादा एनर्जी रहती थी एज़ कम्पेयर टू सेकेंड ईयर। एनी वेज आई होप यू गाइज एन्जॉयड द वीडियो, इफ यू डिड सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय।